हेलो नमस्कार दोस्तों, बीएम अयोध्या चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कहाँ पहुँचा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब आप पैन कार्ड को बनवाते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है या आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू आता है। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो कहाँ पर पहुँचा है। दोस्तों आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि कैसे चेक करना होगा, क्या करना होगा, कैसे चेक होगा, कैसे आप जानेंगे। तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है कहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको यह जानकारी नहीं मिल पाएगी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर से पैन कार्ड का जो स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू तो करते दोस्तों हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर से पैन कार्ड का जो स्टेटस है वो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपके पास जो भी ब्राउज़र अवेलेबल है उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप सर्च टाइम में आपको लिखना होगा एनएसडीएल पैन कार्ड। क्या लिखना होगा, एनएसडीएल पैन कार्ड। इस पर आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन एनएसडीएल, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा, नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में दोस्तों यहाँ पर आपको चूज करना होगा पैन। यदि आप यहाँ पर पैन का जो भी स्टेटस है यहाँ पर आप चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यदि आप टैन का चेक करना चाहते हैं तो आप टैन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम पैन का जो भी एप्लीकेशन, पैन का जो स्टेटस है यहाँ पर आप चेक करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्रोवाइड किया गया होगा या आपको जो भी रिसिप्ट मिली होगी उसमें जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना होगा। दोस्तों एक्नॉलेजमेंट नंबर जो भी है यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर आप इस कैप्चे को फिल कर लेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी नेम है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं कि योर पैन कार्ड हैज़ बीन डिस्पैच, आपको डेट मिल जाएगा किस डेट को यहाँ पर डिस्पैच हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्पीड पोस्ट वाइड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये नंबर मिल जाएगा, इस नंबर को यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एट द एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपके आधार में जो भी एड्रेस प्रोवाइड किया गया था उसी आधार पर, कहने का मतलब आधार में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर आपका जो पैन कार्ड है वो डिस्पैच कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेटस को चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसको जो यहाँ पर ये नंबर दिया गया है इस नंबर को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद दोस्तों आपको सर्च टाइम में लिखना होगा इंडिया पोस्ट। क्या लिखना होगा, इंडिया पोस्ट ट्रैकर, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंडिया पोस्ट जो कंसाइनमेंट की यहाँ पर जो साइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस पर आपको यहाँ पर ट्रैक कंसाइनमेंट इंडिया पोस्ट पर, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नए ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख होंगे यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका जो भी कंसाइनमेंट है यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी इंटर द फर्स्ट नंबर होगा यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इस कैप्चे को कहने का मतलब इस कैप्चे को यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आइटम जो बुक हुआ है, यहाँ पर जो बुक होने की डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर पैन कार्ड है वो किस तारीख को कहाँ पर रिसीव हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दादर BPC से ये चला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कोलकाता, यहाँ पर ऐसे होते होते दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर एड्रेस है, आपके एड्रेस पर यहाँ पर डिलीवर कर दिया गया। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि बुकिंग जो यहाँ पर बुक कहाँ से होना, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बुकिंग की जो डेट है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो डिलीवरी लोकेशन है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिलीवरी लोकेशन है वो आपका क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका डिलीवरी जो डेट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी डिलीवरी डेट है वो कितनी है। इसी प्रकार से दोस्तों आप पैन कार्ड का जो स्टेटस है आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कितने दिनों में आपके घर पर पहुंच जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार दोस्तों आप अपने पैन कार्ड का जो भी स्टेटस है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।